एक संदेश आपके पास में आ रहा है ये सब तो परमेश्वर के वचन से है सो वी शुड नॉट बी इग्नोरेंट ऑन दर्थ ताकि इस पृथ्वी पर हम कभी अनजान बने न रहे नो द्रूथ हमें सत्य को जानना है यही तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा है यही उसकी मनसा है एवरी सिंगल पर्सन मस्ट नो द द्रूथ ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो तो सत्य को जान ले उसके सत्य को वो पहचान क्योंकि द द द होल वर्ल्ड लाइज इन ऑफ विकेट एनिमी पूरा संसार तो शत्रु के झूठ में फंसा हुआ है says, परमेश्वर ने कहा विल हियर दैट वर्ड फर्स्ट जॉन चैप्टर फाइव वर्स नाइनटीन आइए ये वचन पढ़ते हैं पहला योन पांच उन्नीस इट लाइक दिस we know that we are of god we know that we are of god and the whole world lies under the sway of the wicked one the whole world lies under the sway of the wicked one यह वचन इस तरह से कहता है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है you see we know that we are of god हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं ये कहता है कि हम तो परमेश्वर के हैं एंड इन दिकेट वन और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है me, अगर आप मुझसे पूछे कि ये कब से पड़ा है फर्स्ट मैन एडम एनिमी फ्रॉम ऑन जिस दिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उसने शैतान की बात को मान लिया तब से मनुष्य इस दशा में पड़ा हुआ है सारा संसार शैतान के वश में पड़ा है ये तो उस दिन से ही हो चुका है द होल्ड इन दू शत्रु के में पड़ा हुआ है and he is deceiving the people of the world. और वही तो संसार के लोगों को भरमा रहा है he deceives, cheat and वो तो भरमाता है धोखा देता है और लोगों को किसी न किसी तरीके से लूटता रहता है ट्रूथ और इसलिए आपको सत्य जानना होगा बिकॉज दिस एनिमी क्योंकि ये जो दुष्ट विरोधी शत्रु है हुई सी और वो कौन है बाइबल से बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा। Jesus said, ने कहा। ने एंजल

कि हमारा मल्ल युद्ध तो लहू और मांस से नहीं है enemy, परंतु इस दुष्ट शत्रु से है विकेट उन दुष्ट शक्तियों से है जो आकाश में रहते हैं माई ब्लड अंडरस्टैंड दिस मेरे प्रिय लोगों आप इसे समझ लीजिए हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा and हुआ है is, और ये जो दुष्ट है ये दुष्ट व्यक्ति ये तो एक आत्मिकिंसिपोलिंग ये तो निश्चित प्रधानताएं अधिकार और सामर्थ्य है जो कि आकाश मंडल में है

Was 43 and 44 अध्याय 8 वचन त्रियालीस और वचन 44 में जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें इसके बारे में बता रहे थे तब यीशु ने कहा इट्स ही सेड उसने कहा व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई माय स्पीच मैं जो कह रहा हूं तुम उन बातों को क्यों नहीं समझ रहे हो व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग मैं जो कह रहा हूं उसे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो धनी नॉट एन अपोर्सन टू लिसन तो उसने कहा कि तुम सुनने की दशा में नहीं हो Then he explains why he is. Why it is like that. You'll hear the word John 8 43 44. Why do you not understand my speech? Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. You are not able to listen my word. You are of your father, the devil. You are of your father, the devil and the desires of your father you want to do the desires of your father you want to do he was a murderer from the beginning he was a murderer from the beginning and does not stand in the truth he does not stand in the truth because there is no truth in him there is no truth in him when he speaks a lie when he speaks a lie he speaks from his own resources he speaks from his own resources for he is a liar and the father of it he is a liar and father of it यो अध्याय आठ वचन त्रियालीस और चवालीस कहता है ये कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है

और वो तो इस संसार के लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है यीशु ने कहा कि वो तो झूठा है वो तो हत्यारा है there is no truth in him उसमें कोई सत्य नहीं है उसमें no कुछ भी सत्य नहीं है no truth in him उसमें कोई सत्य नहीं है ही इज अ लाइयर वो झूठा है ही इज द फादर ऑफ लाइज और वो तो झूठ का पिता है ऐसे कहां देयरफॉर माय बेलोवर्स इसलिए मेरे प्रिय लोगों आपको सत्य जानना ही होगा व्हाट इज द ट्रुथ और सत्य क्या है गॉडस वर्ड परमेश्वर का वचन गॉडस वर्ड परमेश्वर का वचन दिस इज द डिजायर ऑफ truth. यही तो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा है कि आप सब लोग सत्य को जाने यही परमेश्वर की मनसा है वो यही चाहते हैं our, और निश्चय ही हमें सत्य जान लेना चाहिए अगर आप सत्य जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा सिस्टर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात नो द्रूथ अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन में जान वर्ड चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है God will never say lie. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये सब कुछ जो बाइबल में लिखा गया है These are all God's word, ये परमेश्वर सत्य गॉडर से लाई परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेंगे God will never say lie. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेंगे परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले आज, world, जब आप संसार को देखते हैं, coming, जो आवाज़ पर आती है और आप जो शब्द सुनते हैं ये तो बस केवल झूठ हैं और ये तो शत्रु से आते हैं हमें इसे पहचान लेना He चाहिए नो इट हमें इसे जानना चाहिए बाइबल टेल्स ट्रुथ बाइबल हमें सत्य बताती है द बाइबल से बाइबल कहती है पहला अध्याय दो अगर आप पढ़े पांच हैं वर्ड बाइबल हमें क्या बताती है फॉर इज़ इज़ वन वन गॉड गॉड मैन क्राइस्ट जीस मैन क्राइस्ट जीसस हु गेव हिमसेल्फ गेव हिमसेल्फ रैंसम फॉर ऑल रैंसम फॉर To be testified in due time, Testified in in due due time. time. See, listen. और और मनुष्यों के, के, के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई इस तरह कहता है Beloved, Have you heard it? क्या आपने इसे सुना वट इज दूथ सत्य क्या है वन गॉड क्योंकि परमेश्वर एक ही है देर इज वन गॉड एक ही परमेश्वर है Why they think like लोग अपनी अपनी अलग धारणा क्यों रखते हैं When it is written in the Bible, जबकि बाइबल में इस तरह लिखा गया है there is one God. कि एक ही परमेश्वर है प्रिय लोगों, क्या आप इस पर विश्वास कर सकेंगे दिस इज गॉड्स वर्ड ये परमेश्वर का वचन है बाइबल से बाइबल कहती है If you read Isaiah chapter 44, verse 24, अगर आप यश अध्याय चौवालिस वचन चौबीस में पढ़ते हैं वर्ड आइए इस वचन को पढ़ते हैं दस redeemer, द लॉर्ड योर formed दस इज द लॉर्ड योर who एंड ही from ही womb, आई एम द लॉर्ड आई एम द लॉर्ड Who 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 makes all things, Makes all 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 things? things. stretches Stretches out out the the heavens all alone, the the heavens all alone? alone. spreads abroad उट दस अलोन स्ट्रेच अब यह तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है यू कहता है मैं यहुआ ही सब का बनाने वाला हूँ जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है इस तरह से यहाँ पर यह वचन कहता है यहाँ पर क्या लिखा है you redeemer, आपका छुड़ाने वाला दू फॉर्म दू फ्रॉम दूम जिसने आपको गर्भ में ही बनाया है आई एम द लॉर मैं ही तेरा परमेश्वर यह हुआ हूँ जिसने सब कुछ बनाया है Hallelujah I made the heavens अकेले ही मैंने आकाश को ताना है All alone I spread the earth और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया That means, है मतलब one who created heaven and earth is one person जिस व्यक्ति ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो तो एक व्यक्ति There है There is one god केवल एक ही परमेश्वर है and he is the creator of the whole heaven and earth और ये तो आकाश पृथ्वी का सृष्टि करता है not two ये दो नहीं है नॉट थ्री तीन नहीं है नॉट टेन दस नहीं है नॉट मेनी बहुत से नहीं है वन गॉड एक ही परमेश्वर है दैट इज द ट्रूथ यही तो सच्चाई है वी शुड नो अब इसके बारे में जानना जरूरी है अकॉर्डिंगली वी शुड टू चेंज माइंड और इसी के अनुसार हमें भी अपना मन बदलते चले जाना है अकॉर्डिंगली के अनुसार हमें अपनी समझ भी बदलते चले जाना है That must be known. हमें ये जानना चाहिए बाइबल Bible Bible कहती है My people are destroyed. मेरे लोग नाश हो रहे हैं और लैक ऑफ नॉलेज ज्ञान की कमी के कारण मस्ट नो truth. आपको सत्य जानना होगा। और ये कहता है कि एक ही परमेश्वर है दिस इज अ गॉड ये परमेश्वर है इसी ने सारे आकाश और पृथ्वी को अकेले ही बनाया है ये वही परमेश्वर है जिसने हमारी माता के गर्भ में हमें रचा है he is our God. वो हमारे परमेश्वर you must know he is God. आपको जानना होगा कि वो परमेश्वर है He is the person who created us in mother's womb. और उसी ने हमें हमारे माँ के गर्भ में रचा है When he created inside the mother's womb, जब उसने हमें माँ के गर्भ में रचा he है created by his own hand. उसने अपने ही हाथों से हमें बनाया है। We must know this. हमें हैजन से एक सौ उन्नीस वचन 73 ये कहता है आइए इसे सुनते हैं Your hand has made me and fashioned me. Your hands has made me and fashioned me. You see that? Give me understanding oh, that one? I may learn your commandments. See what is it written here? तेरे हाथों से मैं बनाया गया और रचा गया हूँ. मैं रचा गया हूँ. मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूँ. Your hand has formed me. Your hand has fashioned me. Your hand has made me. तेरे हाथों ने मुझे रचा है, तेरे हाथों ने मुझे बनाया है, तेरे हाथों ने मुझे आकार दिया है. That's what I say. Forty-four, twenty-four. You read. यशया चौवालीस चौबीस में आपने यही तो पढ़ा है. Your redeemer. कि तुम्हारा उधार करता. Your redeemer who formed you from the womb. तुम्हारा उद्धारक जिसने तुम्हें गर्भ से ही रचा है ये कहता है. He says, I am the Lord. वो कहता है मैं परमेश्वर हूँ. All alone I created heavens and this earth. मैंने आकाश को फैलाया है और मैंने पृथ्वी को बनाया है आई एम वन मैं एक हूँ वन पर्सन एक व्यक्ति हूँ वॉट इज द ट्रूथ और सत्य क्या है कि एक ही परमेश्वर बाइबल बाइबल हमें बताती है पहला पांच उन्नीस में वी आर कि हम तो परमेश्वर के हैं परंतु सारा संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा है आप किस पर विश्वास करेंगे? in इन world? संसार में क्या हो रहा है हमें सत्य जानना होगा एक ही परमेश्वर है

उसने आपके लिए अपने आप को दे दिया छुटकारे के लिए दे दिया दाम चुकाया ताकि इसके द्वारा वो आपको ले सके he gave उसने खुद को दे दिया for you आपके लिए and he और इस तरह से उसने आपको खरीद लिया he है उसने खुद को दे दिया me, मेरे लिए me. उसने मुझे खरीद लिया है। truth, मेरे प्रिय लोगों ये तो सत्य है हमें ये जानना होगा वन गॉड एक ही परमेश्वर वन मीडिएट बिटवीन मैन एंड गॉड परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है मनुष्य प्रभु यीशु मसीह हिमसेल्फ उसने खुद को दे दिया फॉर ऑल सभी लोगों के छुटकारे के लिए बल प्रिय लोगो इफ इट इज सो अगर ऐसा है इज इज इट नॉट टू बी नोन क्राइस्ट अच्छी बात नहीं कि हम ये जाने कि ये यीशु We कौन है नो हिम उसे जान लीजिए बाइबल स्पेसिफिकली स्पीक्स बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट रूप में यहाँ पर बताती है दिस इज इटर्नल लाइफ कि यही अनंत जीवन है नोइंग दर्ल्ड थ्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना ही तो हमें यीशु के बारे में जानने की इच्छा रखनी चाहिए The one gave himself and me. जिसने अपने आप को दे दिया और जिसने मुझे खरीदा है Then we must know him. हमें उसे जानना होगा Knowing this Jesus Christ, इस यशु मसीह को जानना life यही तो अनंत जीवन you know him? जब आप उसे जानेंगे you recognize him? जब आप उसे पहचान लेते हैं You him, जब आप उसे स्वीकार करते हैं you have with him, जब आप उसके साथ में संगति करते हैं तो आप कभी नहीं मरेंगे आप आप सदा के के लिए लिए जीवित रहेंगे, you will never be and for God. आप फिर कभी परमेश्वर भूखे और प्यासे नहीं होंगे you him. क्योंकि आप तो उसे पहले से ही समझ चुके हैं That's why the is और इसीलिए सुसमाचार प्रचार That's किया जाता God है has given us the word of God. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का वचन दिया है जब आप इस वचन पर मनन करते हैं तो आप परमेश्वर को जानेंगे आप मसीह के प्रेम को जानेंगे उसने हमारे लिए जो किया उसे आप जानेंगे आप जानेंगे कि उसने हमसे कितना प्रेम किया उसने हमारी कितनी देखभाल की है टूडे आज मेनी आर नॉट अवेयर ऑफ हिम बहुत से लोग उसके बारे में सचेत नहीं हैं मेनी पीपल डोंट नो हिम बहुत से लोग उसे नहीं जानते हैं दैट्स व्हाई द और इसीलिए सुसमाचार प्रचार My किया जाएर एंड सिस्टर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों मस्ट नो हमें प्रभु यीशु मसीह को निश्चय ही जान लेना चाहिए जब तक कि आप यहाँ इस पृथ्वी पर हैं, बिफोर वी लीव दर्थ गो इस पृथ्वी को छोड़कर जाने के पहले वन थिंग ग्रेटर एक बात तो इस संसार बाकी सबसे बहुत बढ़कर है वो तो प्रभु यीशु मसीह को जानना है अंडरस्टैंडिंग प्रभु यीशु मसीह को हमें समझ लेना है हमें सच में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर लेना है प्रभु यीशु मसीह को हमें स्वीकार करना है माइक बलवर्ड मेरे प्रिय लोगोनो जिस दिन हम इसे जानेंगे हो ग्रेट जॉय ये सच में कितने बड़े आनंद की that बात है लाइफ यही तो अनंत जीवन है माई बिलवर्स मेरे प्रिय लोगों बाइबल ये सब बाइबल में लिखा है इफ यू डू नॉट बिलीव अगर आप विश्वास नहीं करेंगे जीसस क्राइस्टिस मसीह जो उसने बताया था वो वही है know, अगर आप नहीं जानते हैं we we no तो आपके अंदर कोई जीवन नहीं है so Christ, तो प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है जानते हैं उसके लिए आप भूख रखिए, डिजायर फॉर हिम आप उसके लिए इच्छा रखिएम उससे प्रार्थना कीजिए उससे बातें कीजिए लॉर्ड जीजस प्रभु यीशु मसीह नो यू मैं आपको जानना चाहता हूँ जानना चाहता हूँ अंडरस्टैंडिंग में ये समझ होनी चाहिए आई शुड आर मैं इस बात को जान लू की आप सच में कौन है श्योरली निश्चय ही सून आप निश्चय उसे बहुत ही जल्दी देखेंगे beloved, मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है अगर आप अपने पूरे हृदय से उसे खोजेंगे heart, अपने पूरे हृदय से उसे खोजेंगे तो आप यून यू आप निश्चित परमेश्वर को प्राप्त करेंगे Today, आज के दिन beloved, मेरे प्रिय लोगों मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार में से लाखों लाखों लोग हैं आर विद इन वो तो अपने आप में बिल्कुल खाली हैं इनसाइड द हार्ट देयर इज एन एम्प्टीनेस उनके हृदय के अंदर में खालीपन है दे आर नॉट सैटिस्फाइड वो तो संतुष्ट नहीं है सीकिंग समथिंग वो तो बस कुछ खोज रहे हैं they want to know something they want to receive something वो कुछ जानना चाहते हैं वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं unsatisfied वो संतुष्ट नहीं है some emptiness within their heart उनके हृदय में किसी तरह का खालीपन है they have everything उनके पास सब कुछ तो है all the prosperity of the world सारी संसार की संपन्नता है you ये सब उनके पास है you name every anything आप किसी भी चीज का नाम लीजिए ये सब कुछ उपलब्ध है still लेकिन फिर भी उनके अंदर खाली पन भरा है पीपल लोग इसी तरह से जी रहे हैं वो खोज रहे हैं वो खोज रहे हैं

हार्ट वो तो अपने हृदय से उसे चाहते हैं मनी आर नॉट अवेयर वॉट दे आर डिजायरिंग बहुत से लोग नहीं जानते कि वो क्या इच्छा रखते हैं दे आर वो भूखे हैं they are वो तो प्यासे हैं। बट डोंट नो। लेकिन वो नहीं जानते फॉर? वाह कि किस लिए मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपके लिए घोषित करता हूँ एवरी सिंगल सोल इन दिस वर्ल्ड इस संसार के हर एक आत्मा के लिए एवरी सिंगल पर्सन हर एक व्यक्ति के लिए अकॉर्डिंग टू दिस बाइबल इस बाइबल के अनुसार आर सीकिंग वो तो खोज रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं him, जिस दिन आप उसे पाएंगे him, जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे जिस दिन आप उसे जान लेंगे him, जिस पल आप उसे पहचान लेंगे taps, तो हमारी सारी भूख और प्यास खत्म हो जाएगी आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे आपका डर गायब हो जाएगा यू जॉय आप आनंद पाएंगे आप यही कहेंगे कि मैंने उसे पा लिया है वो That's मुझे मिल truth, गया। ये लोगों ये पूरी तरह सच है। तो वास्तविकता है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइबल कहती है, ये यीशु मसीह तो सभी देशों की इच्छा है सभी देशों की मनसा है ये उनकी इच्छा है ये बाइबल कहती है डिजायर ऑफ ऑल ऑफ संसार के सभी लोग केवल उसी की मनसा करते हैं उसकी आशा करते हैं। जिस दिन आप उससे मुलाकात करते हैं mention, जिस दिन आप उसे पहचान लेते हैं जिस दिन आप उसके प्रेम का स्वाद लेते हैं You got तो आपको सब कुछ मिल जाता है और इसीलिए प्रभु ने कहा कि सारे जगत में जाकर लोगों को प्रचार so न तीन 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया विश्वास करेगा और जो कोई उसे स्वीकार करेगा Life. वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा यू must लिव फॉर एवर आपको सदा के लिए जीवित रहना है। यू should नॉट पेरिश आपको नाश नहीं होना Answer is Jesus Christ. और उसका जवाब तो यीशु मसीह है He is not ordinary. वो साधारण नहीं है I will try to explain about this wonderful Jesus. इन द कमिंग एपिसोड मैं आने वाले एपिसोड में इस अद्भुत यीशु के बारे में आपको बताने की और भी समझा कर बताने की कोशिश करूंगा फॉर जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के लिए इच्छा रखिए स्मॉल प्रेयर एक छोटी प्रार्थना करेंगे आइए प्रार्थना फादर स्वर्गीय पिता आई वॉन्ट नो जीज मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम मोर मैं उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ मेरे प्रभु आप मुझ पर यीशु मसीह को प्रकट कीजिए इन द नेम ऑफ pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ Amen. 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 The day when you recognize Jesus. जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेंगे You will never be the same. तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे you will know the truth. आप सत्य को जानेंगे And truth will make you free. और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। we'll see in the next episode. अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी Amen. Amen.